देखिए, इस वक्त हम जमुई में गरही थाना परिसर में हैं। इसी थाने में जो दरोगा थे प्रभात रंजन, वो तैनात थे, शहीद हो गए। उनको सूचना मिली थी कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोपावेल गांव के पास बालू माफियाओं के द्वारा अवैध बालू की तस्करी की जा रही है। उनको सूचना मिली थी कि बालू का अवैध खनन वहाँ पे हो रहा है, तो आनन फानन में अपनी टीम के साथ वो यहाँ से निकले थे बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए। पुलिस टीम जैसे ही वहाँ पर पहुँची, तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने पुलिस टीम को रौंद दिया, जिसमें जो दरोगा थे प्रभात रंजन, उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए हैं। एक होमगार्ड का जवान है राजेश कुमार, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जिन बालू माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया वो फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, इस इलाके में धरल्ले से बालू का अवैध खनन होता है। जो बालू माफिया हैं इस इलाके में धरल्ले से अवैध बालू की तस्करी करते हैं। पिछले दिनों कई ट्रैक्टरों को यहां पे जब्त किया गया है। देखिए, सारे ट्रैक्टर्स इसी थाने के परिसर में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। तो इस इलाके में ये जो काम है धरल्ले से चलता है, तो पुलिस की कोशिश यही थी कि इस पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाए। जब सूचना मिली दरोगा प्रभात रंजन को कि मेरे क्षेत्र में फिर से ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो निकले थे आनन फानन में टीम के साथ, लेकिन वो शहीद हो गए। अब देखना ये है कि पुलिस उन बालू माफियाओं को कब गिरफ्तार करती है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, ABP News, जमुई।